जी कुछ कहना चाहोगी? आज मेरे अज्जी का बर्थडे है, मैं जा नहीं पाऊंगी। दरबार साहब का मेन गेट है, अभी आपको दिखाते हैं पार्टीशन म्यूजियम। आप देख सकते हैं छोटी ट्रेन सारी गरीब का रेस्टोरेंट होटल। हाय दोस्तों, स्वागत है और एक न्यू ब्लॉग में आपका। दोस्तों आज हम देखो बैठे हैं अपने कोठे पे और धूप खिली हुई थी, अभी मौसम अच्छा है, हवा चल रही है मंदम मंदम। अक्टूबर का महीना दोस्तों चल रहा है, आज 6 अक्टूबर हो गया है। और जी कुछ कहना चाहोगी? आज मेरे अज्जी का बर्थडे है, मैं जा नहीं पाऊंगी। दोस्तों आज हमारी एक लड़की है, उसका बर्थडे है, आज 6 अक्टूबर है, जो कि घर पे है और हम जा नहीं पाए। दोस्तों बोल रही थी पापा मम्मी है नहीं तो मुझे अच्छा नहीं, अच्छा लगा नहीं लगेगा, पर हम दोस्तों जा नहीं पाए, कुछ मजबूरी है। रो रही थी, बहुत रो रही थी, मेरी अंसी को बुला रही थी, रो रही थी, लेकिन नहीं गए, कुछ मजबूरी है दोस्तों, हमारी भी हैं, इसीलिए हम लोग नहीं जा पाए। जाएंगे कुछ दिन बाद जाएंगे दोस्तों। अरे अपने नानी, अपनी नानी यहाँ पढ़ती है क्योंकि तो शहर में पड़ती है और हम अभी प्रेजेंट टाइम अमृतसर में हैं दोस्तों। तो रो रही थी तो मेरी मम्मी पापा ने उनको बहुत चुप कराए, फिर जाके चुप हुई। जाना था दोस्तों पर गया नहीं, जाएंगे जरूर कुछ दिन बाद जाएंगे। दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में, आपको आगे दिखाते हैं कुछ और। दोस्तों ये दरबार साहब का मेन गेट है, श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा है। दोस्तों घूम लिए हम, अभी आपको दिखाते हैं पार्टीशन म्यूज़ियम। दोस्तों देख लीजिए यहाँ का मार्केट, दरबार साहब से हम निकल चुके हैं दोस्तों, आपको यहाँ का मार्केट दिखाते चल रहे हैं। मैं सोचा अपने दोस्तों को मार्केट दिखा दूँ यहाँ का, और यहाँ का एरिया कैसा है दोस्तों आप ज़रूर देखिए। दोस्तों देख सकते हैं आप कितनी भीड़ यहाँ पर होती है, बहुत ज़्यादा भीड़। श्री साईं मंदिर, ये देखिए दोस्तों शनि देव की मंदिर है। दोस्तों यहाँ बहुत भीड़ चलता रहता है, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ चलती है बाबा जी के दर्शन के लिए, कितने लोग भीड़ आते आते हैं आप देख सकते हैं। बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर ये, और सबसे बड़ी चीज़ है सड़क, देखो दोस्तों सड़क कैसे बनी है, वाइट और गेरुआ कलर में पूरी सड़क ऐसे वहाँ तक बनी हुई है दोस्तों, वाइट और गेरुआ कलर में बनी दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों देख लीजिए LED TV चल रहा है, बहुत बड़ा LED TV चल रहा है दोस्तों। दोस्तों मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी अगर अमृतसर एरिया में आएँ, अमृतसर में आएँ खासकर दरबार साहब के एरिया में, तो आप लोग हमसे ज़रूर, हमारे जीमेल आईडी पे ईमेल कीजिए, हम आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे दोस्तों। दोस्तों ये LED TV देख रहे हैं आप, बहुत सुंदर सा दृश्य है यहाँ का है अमृतसर का। ये देखो सरागढ़ी सराय का रेस्टोरेंट है, होटल है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आगे, एक पार्टीशन म्यूज़ियम है जो कि अमृतसर से मेन फ्रंट पे ही है, और आप लोग को दिखाना चाहते हैं हम पार्टीशन म्यूज़ियम। दोस्तों देख सकते हैं सारी गरीब सराय का रेस्टोरेंट होटल, आप देख सकते हैं LED भी दोस्तों बहुत बड़ा चल रहा है। काफ़ी खूबसूरत है जगह, घूमने लायक हो गया है दोस्तों, आप एक बार यहाँ पर जरूर विजिट करिए, आपको मन सुंदर हो जाएगा दोस्तों। ये देखो आप देख सकते हैं LED TV, सारागढ़ी सराय है दोस्तों, ये होटल है सारागढ़ी सराय का। दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में, आपको दिखाते हैं पार्टीशन म्यूज़ियम, देख सकते हैं आप छोटी ट्रेन आ रही है।
दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पाटी सिनी म्यूजियम में छोटी ट्रेन, आप देख सकते हैं छोटी ट्रेन। दोस्तों शाम को यहाँ बहुत भीड़ होता है, आप देख सकते हैं रंग पंजाब रेस्टोरेंट है, ये सुंदर झांकी चल रहा है रंग पंजाब रेस्टोरेंट टाउन हॉल एरिया। कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना आप। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य नज़ारा है, ऊपर बहुत लाइटें लगी हुई हैं दोस्तों। यहाँ श्रद्धालु रात में ज़्यादा आते हैं। बगल में रंग पंजाब रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। दोस्तों दरबार साहब और पार्टीशन म्यूजियम के एरिया घूम चुके हैं हम, अब चल रहे हैं घर। दोस्तों मिलेंगे एक और नौ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों। देख